फुटबॉल के भगवान माने जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के मैदान पर तो तमाम रिकॉर्ड सेट करते ही हैं, पर अब उन्होंने यूट्यूब पर भी अपना चैनल बनाकर तहलका मचा दिया है। भाई तहलका हो भी क्यों ना, क्रिस्टियानो ने एक दिन के अंदर ही यूट्यूब पर ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे शायद ही कभी कोई तोड़ पाएगा। दरअसल रोनाल्डो के चाहने वालों की इच्छा थी कि वो यूट्यूब पर अपना चैनल बनाए और फैंस काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। बस रोनाल्डो ने 21 अगस्त को अपने फैंस की इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया और यूट्यूब पर यू आर क्रिस्टियानो नाम से एक चैनल बनाया। बस तभी से उनके चैनल पर सब्सक्राइबर्स की बाढ़ आ गई और देखते ही देखते 90 मिनट में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा भी पार हो गया था। इतना ही नहीं, YouTube के जिन बटन्स को हासिल करने के लिए क्रिएटर्स दिन रात मेहनत करते हैं वो रोनाल्डो को सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही मिल गया। जी हाँ, रोनाल्डो को सिल्वर और गोल्डन प्ले बटन मिल चुका है जिसका वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया है और साथ ही ये डायमंड प्ले बटन भी ले चुके हैं। फिलहाल इनके चैनल पर 40 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो भाई ये जलवा है रोनाल्डो का। वहीं रोनाल्डो ने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। आपको बता दें, उन्होंने अब तक 212 मैचेस में 130 गोल किए और वो फुटबॉल में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। इतना ही नहीं, रोनाल्डो के नाम चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा बार खेलने का रिकॉर्ड भी दर्ज है जिसमें 140 गोल शामिल है। वहीं यूरोपीय चैंपियनशिप और इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज्यादा बार खेलने का रिकॉर्ड भी रोनाल्डो के ही नाम है। इस तरह से रोनाल्डो ने कई अवार्ड्स अपने नाम किए। उनके पास 5 बैलोन डियोर पुरस्कार, 2014 का यूईएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड और 4 यूरोपीय गोल्डन शूज और करीब 33 ट्रॉफियां मौजूद हैं, जिनमें 7 लीग खिताब, 5 यूईएफए चैंपियंस लीग, यूईएफए यूरोपीय चैंपियनशिप और साथ ही यूईएफए नेशंस लीग शामिल है। इतने रिकॉर्ड और अवार्ड को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले रोनाल्डो कई बार विवादों में भी फंस चुके हैं, जैसे कि साल 2005 में हुआ जब रोनाल्डो पर एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। यहाँ तक कि उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था। ये घटना लंदन के एक होटल में हुई थी। हालांकि रोनाल्डो ने इसको सिरे से खारिज किया, जिसके बाद कोई सटीक सबूत न मिलने पर इस मामले को बंद कर दिया गया। इसी तरह एक बार रोनाल्डो तब सुर्खियों में आए जब हंगरी के खिलाफ मैच से पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपने टेबल पर रखी कोका कोला कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतलों को हटा दिया और लोगों को पानी पीने की सलाह दी। उनके ऐसा करते ही अमेरिकी शेयर बाजार में कोका कोला कंपनी के शेयर 1.6% गिर गए थे, जिससे उसकी वैल्यू करीब 30,000 करोड़ रुपए घट गई थी। साथ ही उसकी मार्केट वैल्यू भी कम हो गई थी। तो देखा बॉस, ये है रोनाल्डो की पावर। चलिए अब आपको रोनाल्डो की पर्सनल लाइफ से भी रूबरू करा ही देते हैं। दोस्तों, वैसे तो रोनाल्डो का नाम कई मॉडल्स और एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है, जिसमें 10 साल बड़ी और 10 साल उम्र में छोटी तक महिलाएं शामिल हैं। लेकिन अभी जो उनके दिल पर राज कर रही है, या कहें साल 2016 से उनके साथ रिश्ते में है, वो है स्पेनिश सुपर मॉडल जॉर्जिना, जिनकी अदाओं के कातिल रोनाल्डो हो चुके हैं। लेकिन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है। पर कमाल की बात यह है कि रोनाल्डो 5 बच्चों के पिता हैं, जिनमें से 2 बच्चे एलेना मार्चिना और बेला की माँ जॉर्जिना है, जबकि 2 बच्चे मैटियो और एवा सरोगेसी द्वारा बताए जाते हैं। और रोनाल्डो के सबसे बड़े बेटे क्रिस्टियानो जूनियर की माँ के बारे में आज तक रोनाल्डो ने कभी बात ही नहीं की। तो ये है भाई रोनाल्डो की पर्सनल लाइफ। आइए आप इनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बता देते हैं। रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सेलिब्रिटी हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 637 मिलियन फॉलोवर्स हैं। एक तरफ दोस्तों, जहां ज्यादातर फुटबॉलर स्टाइलिश बनना पसंद करते हैं, तो वहीं रोनाल्डो बिल्कुल अलग है। उन्होंने अपने शरीर पर एक भी टैटू नहीं बनवाया। इसका कारण ये है जिससे वो जरूरतमंद लोग को ब्लड डोनेट कर सके। रोनाल्डो शराब नहीं पीते हैं और इसके पीछे की वजह है उनके पिता। दरअसल साल 2005 में जब रोनाल्डो के पिता की शराब पीने की वजह से डेथ हुई, तब रोनाल्डो बहुत टूट गए थे। लेकिन रोनाल्डो अपने पापा से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने कसम खाई कि वो कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। आज रोनाल्डो के पास वो सब कुछ है जिसके लिए कभी उन्हें तरसना पड़ता था, पर उन्होंने मेहनत की और उसी मेहनत के दम पर आज उनकी नेटवर्थ 800 से 950 मिलियन डॉलर्स के आसपास है, यानी इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग बात करें तो 7,568 करोड़ के आसपास, और वो फुटबॉल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको रोनाल्डो की ये मोटिवेशन से भरी हुई स्टोरी, हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।